ब्रॉट टू यू बाय कोल्डरन ऑल इन वन, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन करने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग फैसले का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में भी खड़े नजर आए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं दारुल उलूम ने क्या कहा। तो देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, जाहिर है कि आईन और कॉन्स्टिट्यूशन का, हिंदुस्तान का हर शहरी चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसका सम्मान करता है। और उसने अपने फैसले में जाहिर है कि कानूनी जो दफ़ात हैं उस पर गौर करने के बाद ये फैसला किया है। लेकिन अगर आप मजहब इस्लाम में गौर करें तो एक अदना सा भी तालिब इल्म जिसको इस्लाम के बारे में वाकफियत है, वो इस बात को यकीन के साथ कह सकता है कि मजहब इस्लाम का पर्दा और हिजाब और सर ढकना ये एक अभिन्न हिस्सा है। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उस पर फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो कहा गया है कि अभिन्न अंग नहीं है, ये किस बुनियाद पर कहा है, इसको मैं समझता हूँ कि पढ़ना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो बच्चियाँ हिजाब में स्कूल और कॉलेजेस में जाना चाहती हैं तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद वो अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इस्लाम हमेशा से पर्दे और हिजाब की तालीम देता है और हिजाब के सिलसिले में बाकायदा तौर पर कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के इरशादात मौजूद हैं। इसलिए कोर्ट का सम्मान है, लेकिन उसके आगे हमारे लिए रास्ता खुला है और हम कोशिश करेंगे कि इस मसले में जिन वकीलों को कोर्ट के सामने इस्लाम के ताल्लुक से जो बुनियादी मालूमात है, अगर कुछ समझाने में को परेशानी हुई है तो उसको बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में समझाने की कोशिश की जाएगी। दारुल उलूम ने तो हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात की है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले का स्वागत किया है। क्या कहा बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने, सुनिए। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करती हूं और माननीय जज का भी मैं सम्मान करते हुए इस फैसले का स्वागत कर रही हूं। हमारे देश की अदालतें और हमारा संविधान हमारे देश के लिए प्रथम है और मैं उसी के ही जो फैसले होंगे उसका हम स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। हमारे लिए अगर हमारे देश में अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल के यूनिफॉर्म और उनके रूल को फॉलो करना चाहिए, और अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म का ऐसा कुछ बंदिश नहीं होती है, लेकिन अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी अपने ड्रेस कोड तय कर रहा है तो ये शिक्षा के संस्थान में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव अचानक आना ये समझ से बाहर है। लेकिन हम संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू चॉइस में हम उसमें हक है हमको कि हम अपनी जो हमारी आज़ादी है राइट टू चॉइस की, चाहे हम स्कार्फ पहने, चाहे हम जीन्स पैंट पहने, चाहे हम साड़ी पहने, ये हमारी राइट टू चॉइस है। लेकिन हमारे शिक्षा संस्थान में अगर कोई रूल होता है तो हमें पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। इस्लाम में हिजाब का ये मतलब नहीं होता कि हम पूरे अपने चेहरे को ढक लें या अपने शरीर को पूरी तरह से लपेट लें, एक मर्यादित चादर में अपने सर को ढाँकें और अपने शरीर को एक मर्यादित और सभ्यशालीनता की वेशभूषा आपको पहनना चाहिए, ये है ज़रूरी। हिजाब पे कोई सख्ती नहीं है तो इस्लाम में शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता और उसको लिए ईमान का हिस्सा बताया गया है, वो फ़र्ज़ भी है ईमान हासिल करना, तो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम शिक्षा हासिल करें और शिक्षा को अहमियत दें। तो हम जब शिक्षित होंगे तभी हम देश का विकास, खुद अपना विकास और खुद हम अपने के लिए तरक्की करेंगे। और मैं इस आदेश का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।